फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि WhatsApp पर डिलीटेड मैसेज को आप कैसे देख सकते हैं। आपका फ़ोन कहीं किनारे रखा हुआ है या आप कहीं भी रखे हुए हैं, साइलेंट रखा हुआ है, किसी का मैसेज आया और वो मैसेज डिलीट हो गया। जैसे ही मैसेज आया WhatsApp का तुरंत ही डिलीट हो गया। जब आप उसको देखने गए तो उसमें दिखा गया फ्रेंड्स आपको मैसेज ही नहीं आया हुआ, उसमें लिखा हुआ मैसेज वार डिलीटेड या रिसेंट मैसेज डिलीटेड लिखा हुआ है। तो आपके मन में आता ही कि मैसेज जो आया हुआ था वो क्या लिखा हुआ था। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो मैसेज आया हुआ था क्या लिखा हुआ था, डिलीटेड मैसेज क्या है, सब कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे यहाँ पर WhatsApp डिलीटेड मैसेज कैसे देखें। देख सकते हैं कि अगर पास कोई मैसेज करता है और उसके बाद डिलीट कर देता है तो आप उस मैसेज को देख नहीं पाते। मान लो इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है आप कैसे पता करेंगे, इस वीडियो में हम यही जान रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए बहुत छोटा सा स्टेप है और ये सारे एंड्रॉयड फ़ोन में मिलता भी है, ऑलरेडी ये मिलता है। तो मान लो आपका फ़ोन यहाँ पर रखा हुआ है, ये फ़ोन है मेरा और जो कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ और ये मेरा फ़ोन इस तरह से लॉक रखा हुआ है और सामने वाले ने क्या मुझे मैसेज किया, इस तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर इस तरह से कुछ भी लिख देता हूँ, ये हैप्पी बर्थडे लिख दिया या हेलो लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। तो ये लिख के और इसके बाद किया क्या, वहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं आ गया है। बट हम नोटिफिकेशन आने से पहले ही इन्होंने क्या किया, जब नोटिफिकेशन आया हम मैसेज पढ़ने से पहले क्या किया इन्होंने एवरीवन करके इसको डिलीट कर दिया। अब यह क्या हुआ, ये मैसेज डिलीट हो गया। अब मैं आया अपना फ़ोन उठाया और उसके बाद इस मैसेज को देखने के लिए आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इस मैसेज पर आए और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये मैसेज डिलीटेड है। 9:06 मैसेज भेजा गया था वो डिलीट है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, ये टाइम देख सकते हैं 9:06 पर डिलीट है। अब अगर इस मैसेज को मैं देखना चाहता हूँ उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा और उसके बाद इस तरह से आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन का पूरा सेटिंग का जो स्टेप है वो यहाँ पर खुल जाएगा। अब इसको ओपन करने के बाद नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाना है और यहाँ नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाते हैं और यहाँ पर मोर सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है। मोर सेटिंग जो आप क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो सारी सेटिंग है इनको आपको इनेबल कर देना है। इनहेंस नोटिफिकेशन, ये सारी सेटिंग इनेबल कर देंगे और उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। जैसे आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो यहाँ पर लास्ट जो मैसेज था वो यहाँ पर दिख रहा है। 9:06 मेरा मैसेज डिलीट हुआ था जो कि इसमें लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे, मैंने आपके सामने लिखा हुआ था, उसके बाद हेलो लिखा हुआ था। 9:05 पे 9:06 पे दोनों मैसेज आए हुए थे। तो इस तरह से आप रीड डिलीटेड मैसेज को यहाँ पर रीड कर सकते हैं, WhatsApp के डिलीटेड मैसेज को आप रीड कर सकते हैं इस सिस्टम से। तो मुझे लगता है बहुत छोटा सिस्टम था फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।